रास्ते पर तेजी से बस ले जा रही थी महिला, जब सच्चाई सामने आई तो सब रह गए हैरान। आइए जानते हैं इस महिला के बारे में। इस महिला की बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, महिला आज किसी भी मामले में पुरुष से कम नहीं है। ऐसे ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में महिलाओं और बच्चों को ले जा रही एक मिनी बस के चालक को अचानक दौरा पड़ गया। इसके बाद महिला ने दिलेरी दिखाते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर कमान संभाली और 10 किलोमीटर तक बस चलाकर ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया। ये घटना 7 जनवरी को हुई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। योगिता साटव, जिनकी उम्र 42 साल है, महिला योगिता साटव अन्य महिलाओं और बच्चों के साथ पुणे के निकट शिरूर में एक कृषि पर्यटन स्थल पर पिकनिक मनाने के बाद बस से लौट रही थी। तभी बस चालक को दौरा पड़ने लगा और उसने एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक दी। बस में मौजूद बच्चे और महिलाओं को घबराता हुआ देख योगिता साटव ने बस का संचालन अपने हाथों में लिया और करीब 10 किलोमीटर तक बस चलाने का फैसला किया। पहला महत्वपूर्ण काम बस चालक को इलाज उपलब्ध करवाने का था, इसीलिए उसे लेकर पास के एक अस्पताल में गई जहां उसे भर्ती कराया गया। महिला ने इसके बाद बस के अन्य यात्रियों को भी उनके घर छोड़ा। संकट के समय बिना घबराए हुए सूझबूझ से काम लेने के लिए योगिता की काफी सराहना कर रहे हैं। और योगिता की बहादुरी के बारे में आपकी क्या राय, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि लोग योग्यता की इस बहादुरी से कुछ सीख सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।